Hello and welcome to Learning Hub HD. Please like, subscribe and share. Assalamu alaikum. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ. आज की ये वीडियो जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से जो बच्चों को छोटे मोटे इशू आए थे उस पर बनाई है. सबसे पहले कि जिन लोगों का ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं लगता, वो पेपर से एक दिन पहले, लेट्स सपोज सैटरडे को पेपर है तो आप फ्राइडे को आएँ और यहाँ पे आके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाएं और चेक कर लें कि आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है. अगर आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है, इसका मतलब आपका आईडी और पासवर्ड बिल्कुल ठीक चल रहा है. सही. उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, कुछ स्टूडेंट्स पैकेज लगाते हैं अपना व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, और इसको बेसिकली सोशल मीडिया पैकेज हम कहते हैं, डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं. तो आप लोग काइंडली जिस दिन पेपर हो उस दिन आप प्रॉपर एमबी वाला पैकेज ख़रीदा करें, जिसके ऊपर आप ये google.com सर्च कर सकें. ठीक है, एक दिन के लिए पेपर होते हैं, आपके असेसमेंट पेपर होते हैं, तो आप एक दिन इतना तो अपने लिए कर सकते हैं. सही. उसके बाद अब आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा जो है ना रिजल्ट हमें शो नहीं होता. तो रिजल्ट के लिए सबसे आसान ये है कि आप या इस लॉगिन को जब जाएं जिस वक्त मर्जी जाएं, ये अब आपका ईमेल आईडी पासवर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पे बन चुका है. आपके ऑनलाइन एग्जाम जब भी हुआ करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ करेंगे. और तीसरी चीज़ कि इस ईमेल आईडी पासवर्ड को अपने पास आप सेफ रख लें. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम पासवर्ड जो है ना लगा रहे हैं, लग नहीं रहा होता. तो उसका मकसद यही होता है कि आप अपना पासवर्ड जो है भूल चुके हैं. तो आप प्लीज़ इस चीज़ को जो है ना ज़हन में रखा करें कि अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो कि इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पर आपने प्रोवाइड किया, वो आप अपने पास किसी जगह पर मोबाइल के अंदर सेव कर लें. ठीक है जी. अब आपको रिजल्ट के बारे में बताना, तो ये आपके पास यहाँ पे माय रिजल्ट का ऑप्शन है, इस पे आपने आना है और इस पे आके आपने क्लिक कर लेना है. तो जितने भी पेपर आपके हुआ करेंगे उनका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास जो अगला इशू आया है कि बच्चे कहते हैं सर हमारे पास पेपर शो नहीं होता. तो जब भी आप लॉग इन किया करें तो आपकी यहाँ पे आपकी क्लास आ रही होती है. उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास एक बटन होता है, उस पर क्लिक करें तो जितने पेपर उस दिन कंडक्ट किए जा रहे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं. तो जिस पेपर का टाइम होता है उसको आप क्लिक करें और जैसे स्टार्ट हो आप क्लास पेपर स्टार्ट कर लें. कोशिश करें कि आपका इंटरनेट हर वक्त आपके पास मौजूद हो जब तक आपका ये पेपर अटेम्प्ट हो रहा है. अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम पेपर स्टार्ट कर चुके होते हैं और ऑटोमेटिकली रिजल्ट सेव हो जाता है. तो बेटा आपका ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसमें जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं उसमें आपका टाइमर ऊपर साथ ही स्टार्ट हो जाता है. तो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वहाँ से आपका टाइमर ख़त्म होता है तो आपका जो ये पेपर जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं. कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आगे से जो है ना वो सर्वर एरर का इशू आ जाता है. तो सर्वर एरर का इशू तब आता है कि जब आप सबमिट कर रहे होते हैं तो आपके पास इंटरनेट नहीं होता. तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें कि जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, इंटरनेट क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ, तो सबमिट करवाते वक्त भी आपका इंटरनेट चले. इसके बाद जो हमारे पास एक और बड़ा इशू आता है कि कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर हमने जो क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया था बट हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आया. तो ऐसा बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता. उसकी रीज़न ये है कि जब आपको पेपर ये सबमिट होते हैं तो ये रिव्यू होते हैं प्रॉपर होने के बाद इनका प्रॉपर, उसके बाद ये ऑनलाइन जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट जनरेट होते हैं. फिर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे तो मार्क्स कम आए हैं. तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं के आपको मार्क्स लगने हैं,
लेट सपोज आपने अपने पास पेपर स्टार्ट किया है और आपने 20 में से 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं, बट आप जाके सबमिट करवा देते हैं तो आपको 10 एमसीक्यूज के मार्क्स मिलेंगे, जो नीचे आपने जिन पे किसी पे भी क्लिक नहीं किया ऑप्शन का, उनके आपके मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो ये कुछ क्यूरीज थी जो बच्चों को बहुत फेस हो रही थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो के जरिए आपको ये गाइड कर दूं कि किस तरह आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जब आप पेपर, जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप एक अच्छा सा पैकेज 100 MB 200 MB मैक्सिमम 500 MB का परचेज करें, उस पर आपको इसमें आराम से आपके पूरे 3 पेपर डील वीकली जो है ना आपके अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह और भी कोई मसाइल हो तो इस वीडियो के कमेंट में आए और वहाँ पे आप अपना मसला बयान करें, तो इंशाल्लाह हम उसको फौरन रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।